दोस्तों आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दीव के उन जगहों को जहां पर हम घूमना चाहेंगे फैमिली के साथ में और छुट्टियां को एंजॉय करना चाहेंगे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करता हूं मैं अपनी होटल से जहां मैं रुका हूं, हेमल गार्डन विद बार रेस्टोरेंट सब है। चलिए दोस्तों ये तो आपने देख लिया मैं कहाँ रुका हूँ, हेमल गार्डन होटल है, यह नियर बस स्टैंड है दीव के। अब चलते हैं बाहर घूमने। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ मेरे होटल के पास बने इस चौराहे पर और ये चौराहा है बस स्टैंड चौराहा, और इधर तो ऑटो खड़े हैं और साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ साइकिल्स हैं। ये इनका ना ऑनलाइन कोई मेरे ख्याल वो ऐप है। अच्छा, ऐप के ऊपर आप फिर इसको अपना इंस्टॉल करोगे तो ये पेमेंट करोगे तो यहाँ से फिर वो उसका कोड देते हैं वो खुलता है, उसका जो लॉक लगा हुआ है वो लॉक ओपन हो जाता है कोड डालने के बाद में, और फिर आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक बार बाइक की क्या रेट है यहाँ पर दीव में वो आपको मैं पता करके बता देता हूँ। बापा सीताराम ट्रैवल वाले भैया बैठे हैं जो बाइक हायर पे देते हैं। भैया बाइक का क्या रेट रहता है अपने? 350 रुपया रहता है सुबह 8 से रात को 8 बजे तक। 350 रुपये सुबह 8 से रात को 8, इसमें पेट्रोल वगैरह वो आपका भरवाना पड़ता है, जितना घूमना है उतना भर लो, उतना भर लो। इसके अलावा भी और भी शॉप्स हैं वहाँ पर जो बाइक हायर मतलब आपको बाइक रेंट पर देते हैं, और ये टिकट काउंटर है इस गाड़ी के अंदर, एक ऑफिसर बैठे हुए हैं जो टिकट काट रहे हैं। दीव का आपने बस स्टैंड तो देख लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट जगह पर और हम चलेंगे अभी रेवारी रोड पर, और सामने की तरफ जो रास्ता जा रहा है ब्रिज जा रहा है वो है घोघला ब्रिज। तो यहाँ का दोस्तों मैं नज़ारा आपको एक बार दिखाता हूँ। ये तो कुछ बिल्डिंग्स बनी है जिनमें होटल रेस्टोरेंट वगैरह हैं, और सामने ये समुद्र है, कुछ शिप्स भी खड़ी हैं, और ये घोघला ब्रिज भी यहाँ से दिख रहा है, और ये पूरा एरिया कहलाता है रेवाड़ी रोड वाला एरिया। तो दोस्तों जैसे कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं बड़ा सारा नेवी का शिप है और इसका नाम है कुकरी। अब रिटायर हो गया है तो अब इसको दो लोगों के देखने के लिए इसको यहाँ पर जो दीव का जो पोर्ट है उस पर खड़ा कर दिया है, और देखते हैं कुछ चार्जेस वगैरह भी है या ऐसे ही जाने देते हैं। कुछ छोटी नावें नीचे भी हैं और यहाँ पर एक दमकल विभाग की गाड़ी भी खड़ी है, और ये अंदर जाने का कुछ है इसका चार्जेस है, एडल्ट के लिए 100 रुपये और बच्चों के लिए जो 5 से 15 हैं उनके 50 रुपये हैं। अंदर की तरफ तो मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं इससे पहले बड़े बड़े जहाज देख के आ चुका हूँ नेवी के जो अभी भी वर्किंग में हैं, और मैं कहाँ देख के आया था ये आपको पिछली वीडियो में मैंने बता ही दिया है पोरबंदर में। तो अभी तो यहाँ से चलते हैं और चलते हैं सीधा या दीव के किले पे, और यहाँ से सीढ़ियाँ आप नीचे तक जा सकते हैं। सामने दिखाई दे रही है आपको जेल। तो फ्रेंड्स गाड़ी तो अपन ने पार्क कर दी, और गाड़ी का जो बाइक का चार्ज है वो है 10 रुपये और कार का चार्ज है 50 रुपये। भाई ने लिए हैं 10 रुपये, लेकिन भाई ने एक अच्छी बात ही बताई, किले में जाने का मतलब किले को विजिट करने का कोई चार्ज नहीं है। तो चलते हैं किले में क्योंकि हमको तो किला पसंद है घूमना। थैंक यू भाई, मोस्ट वेलकम। हाँ भाई, और यहाँ पर भी बाइसिकल्स रखी हैं जो शेयरिंग वाली हैं। ड्राई फ्रूट तो बहुत सारे हैं, मतलब कई सारी शॉप्स हैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट की लोकल। समुद्र का पानी यहाँ तक आता होगा ये इसमें। अभी मैं गेट से एंटर ही हुआ हूँ और ये एक चौकी सी आई है यहाँ पर, मैं आ गया हूँ इस जगह पे। पीछे लाइट हाउस है उधर, उसके पास में नेवी का जहाज, ये जेल, और लोग वहां तक जा पा रहे हैं। किला वास्तव में दोस्तों बड़ा है किला। दोस्तों मेन गेट से एंटर होते ही सामने की तरफ ये एक क्रॉस बना हुआ है और नीचे की तरफ एक गोल पत्थर रखा हुआ है, और इसी वाले रास्ते पर चलते हैं क्योंकि सभी इसी रास्ते पर जा रहे हैं। इस तरफ शायद कमरे बने हुए हैं, एक बार चलते हैं, इधर रास्ता है कमरों के अंदर की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स ये है कमरों के अंदर, ये तोप्स रखी हुई हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी तोपें हैं। ये डेफिनेट चर्च है दोस्तों, और चर्च के बिल्कुल बगल में बना हुआ है कुआं।
वहाँ से पानी जब भर जाया करता होगा तब इसमें आया करता होगा। मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये जो जगह है ना ये पानी स्टोरेज के लिए, क्योंकि मैंने देखा वहाँ दीवारों के ऊपर नालियाँ बनी हुई हैं, तो वो सब नालियाँ इस तरफ ही आ रही हैं, तो इसमें पहले पानी भरता होगा, पानी भर जाता होगा तो इसमें से होता हुआ फिर इसमें आता होगा। ये देखिए आप, यहाँ कुछ अंदर से सिस्टम है इसका अंदर आने का, इधर की तरफ पानी भरा हुआ है। चलिए ऊपर की तरफ चल के देखते हैं ऊपर से क्या नज़ारा दिखता है। यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर, सीढ़ियों से होके चलते हैं। ओहो गजब, ये देखिए दोस्तों, गजब का नज़ारा है। और उस तरफ चलते हैं, वो मतलब इसकी जो सिक्योरिटी ना वो तो पूरी पुख्ता कर रखी है राजा जी ने, बड़ी बड़ी तोपें उस ज़माने के हिसाब से तो वास्तव में बहुत बड़ी थी। ये इनके पहिए हैं देखिए आप, लकड़ी के उस पर लेके आए थे शायद इनको खींच करके, तो ये लकड़ी भी उस ज़माने से यहाँ पर है जब से तोपें हैं। गजब, देखिए दोस्तों ये भी वही है बैलगाड़ी की तरह, पीछे की तरफ छोटा पहिया है आगे बड़ा पहिया है, और ये लकड़ियाँ भी उस ज़माने से है जब ये तोप यहाँ पे रखी गई है, वरना तो तोप तो नीचे ही रखी जाती है। ओहो ये देखिए इसको उठाने के लिए यहाँ से बनाया गया, ये गजब सीन है। और यहाँ कुछ लिखा है, ये शायद पढ़ने में आ जाए, डोकोन CVLD OAG 22, ये लिखा PDB, और यहाँ से डालते होंगे वो आग वगैरह चिंगारी वगैरह जो भी है। और ये राजा की सील, राजा की सील है ये। नीचे तो सिर्फ चट्टाने हैं, और उनसे टकराती हुई लहरें हैं समुद्र की, और पास में जा रही कश्ती, सामने दिख रही है जेल, और पीछे की तरफ पूरा दीव। काफ़ी नीचे से मैं चढ़ते चढ़ते ऊपर की तरफ आ गया हूँ, लाइट हाउस की तरफ जा रहा हूँ अभी। यहाँ से दिखाई दे रहा पूरा किला बड़ा सारा, यहाँ से पूरा व्यू आ रहा है किले का, बहुत ही बड़ा किला है। मतलब दोस्तों जो किले अब तक मैंने देखे हैं, जो राजस्थान में जो किले देखे हैं या फिर और कहीं देखे हैं, उन किलों से तो बिल्कुल डिफरेंट है ये किला। जो दीवारें बनाई गई वो भी अलग पैटर्न में हैं, यहाँ की डिज़ाइन भी अलग पैटर्न में है, सब कुछ अलग पैटर्न में है, और सुरक्षा के लिए तो तोपें इतनी बड़ी बड़ी रख रखी है कमाल की। तो अब दीव के किले से अपन चलते हैं आगे की ओर, और देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं दीव में। फ्रेंड्स किला देखने के बाद में अब मैं आ गया हूँ एक बड़े सारे क्रॉस और चर्च के हॉल के सामने, तो आइए चलते अंदर की ओर। यहाँ लिखा हुआ है सेंट पॉल चर्च, बहुत ही बड़ी और पुरानी स्ट्रक्चर दिख रही है और खूबसूरत भी। वो बड़ा है चर्च, दोस्तों देखिए ये है पूरा चर्च, बहुत बड़ा, और ऐसा लग रहा है चर्च अभी भी शायद यहाँ पे प्रेयर वगैरह होती है। बहुत ही खूबसूरत पीछे बना हुआ है, कुछ कैंडल्स लगी हुई हैं हालांकि वो जल नहीं रही, और एक बड़ी सारी स्टेचू है जीसस की। वाकई में दोस्तों बहुत ही खूबसूरत चर्च बना हुआ है, और उस ज़माने में इतना अच्छा काम किया कर रखा है पूरे चर्च में, वो अभी ऐसा लग रहा है कि शायद ये चर्च अभी भी प्रेयर वगैरह के लिए काम में आता होगा। तो चलिए दोस्तों अगली डेस्टिनेशन है कुकरी बीच। दोस्तों सेंट पॉल चर्च से थोड़ा आगे ही चले हैं, और ये दीव का सबसे पुराना चर्च यहाँ पर बना हुआ है, हालाँकि कुछ मरम्मत का काम चल रहा है इसलिए अभी अंदर नहीं जा पाएंगे। पुराने चर्च के पास में एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है सनसेट पॉइंट वगैरह, और जो भी चीज़ें हैं सब यहाँ पे लिखी हुई है, लगभग 2-3 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ चीज़ें हैं।